हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में। और लास्ट टाइम हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था वो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र था, और फाइबर ऑप्टिक्स की हमने बात जो है वो की थी। और हमने लास्ट जो वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या है, एक ऑप्टिकल चैनल है जो वो इंफॉर्मेशन को वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए। और हमने ये भी देखा कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है वो जो सिग्नल है और जो आप बोलते हैं इंफॉर्मेशन है वो लाइट की फॉर्म में प्रोपोगेट होती है, और जो कैरियर वेव है डेट इज़ बेसिकली इन द रेंज ऑफ 10 to 14 हर्ट्ज टू 10 to 15 हर्ट्ज, और जिसकी वजह से क्या है बैंड विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम जो है वो जो बेसिकली जो गीगाबिट पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर से हम जो है वो सिग्नल को भेज सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें जो लॉस जो आया था डेट इज 0.2 dB पर किलोमीटर तक हम अचीव कर पाते हैं, जो कि कन्वेंशनल कॉपर और जो कोएक्सियल वायर है उनमें जो है वो मैक्सिमम मोर देन 50 dB पर किलोमीटर जो है वो लॉस होता है, और इसमें जो है वो 0.2 dB पर किलोमीटर के लॉस जो है वो हम वो मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। देखिए स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड से डाटा के आपकी आवाज़ मतलब वॉइस, यू कैन से द योर इमेज पिक्चर्स डाटा एवरीथिंग यू कैन सेंड वेरी फास्ट। सो आजकल क्या है स्पीड हर मतलब कोई चाह रहा कि जल्दी से हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो जाए, तो ऑप्टिकल फाइबर ने ये जो लिमिट जो हम चाहते हैं उसको अचीव करने में हेल्प की है, जो कि लिमिटेड था इन केस ऑफ केबल वायर। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में से हम अब कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है वो एसेप्टेंस एंगल, एसेप्टेंस कोण एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इट इज द सिलेंड्रिकल थिन वेव गाइड दैट इज द रेंज ऑफ माइक्रोन जो कोर है, और जो इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज कोर क्लैड एंड दैट इज प्राइमरी जैकेट, और ये क्या है सेकेंडरी जैकेट है। ठीक है बच्चों, और कोर जो है दैट इज बेसिकली प्योर ग्लास है, दैट इज द रेंज ऑफ डायमीटर 1 micron to 10 micron अप्रोक्सीमेटली डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। क्लैड हैज द क्वार्ट्ज दैट इज द डायमीटर ऑफ 100 micron to 200 micron डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन, और जैकेट है ये जो टू जैकेट दैट इज प्लास्टिक एर्सलेट कोटिंग है जो कि मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट करती है। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। नाउ अब हम क्या करते हैं कि लाइट यदि प्रोपेट कर, तो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग काम है कि लाइट को इतने थिन से डायमीटर में आपको लॉन्च करना है, जिसके सिग्नल को भेजना है जो कितना है डायमीटर ऑफ द हेयर, यदि आप बोल रहे हो जो डायमीटर ऑफ द हेयर है दैट इज द रेंज ऑफ माइक्रोन, तो हेयर के डायमीटर में आपको सिग्नल को लॉन्च करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर का नॉलेज होना जरूरी है, दैट इज बेसिकली एसेप्टेंस एंगल, एसेप्टेंस कोण एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। सो एसेप्टेंस एंगल क्या है, ये हमारे पास जो है वो कोर है एंड दिस इज क्लैड, N1 एंड N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सिग्नल जो है वो एयर से लॉन्च हो रहा है एंड नोड से। तो एसेप्टेंस एंगल क्या है, ये डेफिनेशन आती है, इट इज द मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड बाय अ रे ऑन द फाइबर एक्सिस एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर फॉर विच द रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द कोर क्लैड इंटरफेस। तो यहां पर क्या होगा, ये कोर और क्लैड में द रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में प्रोपोगेट करती है, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्रिटिकल एंगल पे ये क्या करती है कोर के अंदर ही ट्रेवल करना शुरू कर देती है, दैट इज बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और
एक्सेप्टेंस कोण क्या है, जो मैक्सिमम एंगल है, यदि हम यहां बात करें तो ये मैक्सिमम एंगल यहां से इस एक्सिस से थीटा एम एंड थीटा एम, ये पूरे का पूरा कोण बनाएगा, और इस कोण से हम यदि सिग्नल को लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली वो जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, नाउ द अब हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन के लिए, तो अब हम हमें एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोण हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट केस में हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम सपोज करो कि हमने यहाँ पे सिग्नल को लॉन्च किया, दैट इज एंगल इज थीटा आई, तो थीटा आई क्या है, एट इज अ इंसिडेंस एंगल। ठीक है बच्चों, नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए, यहां से ए में किया बच्चों, उसके बाद ये बेंड हुआ और बी पे स्ट्राइक किया, एट थीटा सी इट इज कम बैक टू द कोर। बच्चों समझ आ गया, तो इसमें बात अब हम बात करें स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं पहले, तो क्या है स्नेल्स लॉ, एन नॉट, ठीक है, साइन थीटा आई इज इक्वल टू एन वन साइन थीटा आर, ये थीटा आई है तो ये थीटा आर है, ये क्या है जो रेड कलर का मैंने बताया, डेट इज द थीटा आई एंड ये क्या है थीटा आर, तो थीटा आर। ठीक है, तो यहां से एन साइन थीटा आर कितना हो गया, डेट इज एन नॉट अपॉन एन वन साइन थीटा आई, ये हमारे पास इक्वेशन वन। Now applying Snell's law at B means core clad interface पे हम जो है वो apply करेंगे, तो ध्यान से देखिए बच्चों, Snell's law हमने यहां पे लगा दिया तो कितना है, that is sine theta C is equal to, अब ध्यान से देखो कि थीटा आई यदि थीटा मैक्सिमम है तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज साइन थीटा सी, तो ये साइन थीटा सी इज इक्वल टू, यदि थीटा आई जो है वो थीटा मैक्सिमम मतलब हो जाए बच्चों तो क्या होगा, ये थीटा मैक्सिमम मतलब कि थीटा सी के बराबर, तो यहां से एन वन स्नेल्स लॉ एट बी साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन टू साइन 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, रे जो है वो क्लैड की तरफ नहीं जा रही है, कोर क्लैड के इंटरफेस पे है, तो इसी तरह से हमारे पास साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन। ठीक है, अब यहां से थीटा सी हम बात करें तो थीटा आर, तो ये टोटल एंगल है थीटा सी, ये थीटा आर है, तो थीटा सी के कितना हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आर इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, एंड दिस कॉस थीटा आर इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास कॉस थीटा आर को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा आर को हम यहां से देखिए, कॉस थीटा आर को हम लिख सकते हैं, मतलब इन द सेंस साइन स्क्वायर साइन थीटा आर को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा आर इज इक्वल टू वन माइनस एन टू स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर। ये इक्वेशन वन थी, ये हमारे पास इक्वेशन टू थी और ये इक्वेशन नंबर थ्री आ गई। अब इक्वेशन थ्री को इक्वेशन वन में बच्चों हमें पुट करना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थ्री को इक्वेशन वन में पुट करेंगे, तो इक्वेशन वन में पुट हम करेंगे तो वन में यहां पे अब थीटा आई जो है वो कितना है, थीटा मैक्सिमम है तभी जो है क्रिटिकल एंगल है, तो थीटा मैक्सिमम इज बेसिकली एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से थर्ड को वन में पुट करेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा आर की जगह हमारा होगा वन माइनस एन टू स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर,
अंडर रूट इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन एन वन साइन थीटा मैक्सिमम, ठीक है। अब यहां से बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें हम दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे, एन वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एन नॉट स्क्वेयर एन वन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा मैक्सिमम। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ए और बी में स्नेल्स लॉ अप्लाई करके दो इक्वेशन आई, उनको हमने इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम थीटा मैक्सिमम टर्म में लेके आ गए, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में उसको हम लेके आ गए। अब यहां से एन वन स्क्वेयर माइनस एन टू स्क्वेयर अपॉन एन वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एन नॉट स्क्वेयर अपॉन एन वन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा मैक्सिमम, और यहां से हम साइन स्क्वेयर थीटा मैक्सिमम इज यहां से एन स्क्वेयर से एन कैंसिल, दैट इज एन वन स्क्वेयर माइनस एन टू स्क्वेयर अपॉन एन नॉट स्क्वेयर, और यदि एयर है तो एन नॉट इज इक्वल टू वन, तो साइन स्क्वेयर थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू एन वन स्क्वेयर माइनस एन टू स्क्वेयर। तो इसमें हमारे पास जो साइन थीटा मैक्सिमम है दैट इज एन वन स्क्वेयर माइनस एन टू स्क्वेयर, और ये थीटा मैक्सिमम जो होगा दैट इज साइन इनवर्स एन वन स्क्वेयर माइनस एन टू स्क्वेयर, दैट इज बेसिकली एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स आ भी सकता है बच्चों की, आपको जब क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना हो तो वो तो हमने मैंने बात कर ली। अब यदि एक्सेप्टेंस एंगल एन, इसका मतलब है कि एन वन और एन टू हमें पता हो, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कोर और क्लाइड पता हो, तो हम थीटा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, और थीटा मैक्सिमम दोनों तरफ से एक्सिस के, दैट इज बेसिकली कोण। तो यदि हम इस थीटा इस कोण के अंदर यदि हम सिग्नल सेंड करेंगे तो डेफिनेटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो जाएगा, और लाइट जो है या सिग्नल जो वो प्रोपगेट हो जाएगी थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दैट इज बेसिकली न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो बेसिकली न्यूमेरिकल अपर्चर बताता है इट इज अ लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल अपर्चर। द लाइट गैदरिंग एबिलिटी, लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपके पास ऑप्टिकल फाइबर हो और आपको यह पता करना है कि यह मल्टी मोड है या सिंगल मोड है, मतलब इसमें से एक सिग्नल भेज सकते हैं या बहुत सारे सिग्नल भेज सकते हैं, तो आप लैब में जब लेजर लाइट के एक्सपेरिमेंट से हम मतलब कि लेजर लाइट को फॉल करा के उसका अपर्चर को स्टडी करके हम जो वो न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये क्या है करैक्टरिस्टिक्स पैरामीटर है जो कि ये बताता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर को हम मल्टी मोड में यूज करें, ये मतलब एक साथ बहुत सारे सिग्नल सेंड कर सकेंगे या फिर सिंगली हम उसमें सिग्नल जो है वो भेज सकते हैं, मतलब कि सिंगल मोड एंड द मल्टी मोड। तो ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर है क्या, न्यूमेरिकल अपर्चर इज बेसिकली साइन थीटा मैक्सिमम, साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज बेसिकली एन वन स्क्वेयर माइनस एन टू स्क्वेयर, अंडरस्टैंड। नाउ इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में भी बात
कर सकते हैं n1 माइनस n2 अपॉन n1, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, दैट इज अ क्लैड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैड एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म में यदि हम इसको रिप्लेस कर दें तो n1 रूट टू डेल्टा। तो आपको कभी कभी न्यूमेरिकल जो है वो इस तरह से आता है कि आपको जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो और आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, तो आपको इस तरह से आप जो है वो न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। और नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे, देन कम टू द लॉसेस। थैंक यू वेरी मच।